हेलो डियर स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी में आज का हमारा टॉपिक है तख्तेजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले क्लासिफिकेशन में आपको नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर का बता दिया था, उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में कॉन्क्विस्ट क्लासिफिकेशन बताया था इससे पहले, और उसके बाद थॉर्ने का क्लासिफिकेशन बता दिया था, और उसी सीरीज़ में आज है हमारा टॉपिक तख्तेजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्मर तख्ताजन 1980 वॉज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल बॉटनिस्ट एंड सिस्टमेटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ही वर्क एज अ पेलियो बॉटनिस्ट इन कोमेराव बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लेनिनग्राड USSR, रशिया के अंदर इन्होंने अपना सारा काम किया था। इन 1942 ही डेवलप्ड अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट विच एम्फेसाइज्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स। तो जैसे ही बताया था पहले, कॉन्क्विस्ट का सिस्टम भी फाइलोजेनेटिक था, जो फाइलोजेनी पर बेस्ड था, थॉर्ने का क्लासिफिकेशन भी फाइलोजेनेटिक था, और तख्तेजन का भी जो क्लासिफिकेशन है वो इवोल्यूशन पर बेस्ड था, इसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो उन्होंने प्लांट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है इवोल्यूशन के बेसिस पे, उस पर पूरा वर्गीकरण दिया गया था। इन 1954 द एक्चुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज पब्लिश्ड इन हिज बुक द ओरिजन ऑफ एंजियोस्पर्मस प्लांट इन रशियन लैंग्वेज, विच ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1958। इन 1966 ही गेव अ मोर डिटेल्ड रैशनल फॉर द डिलिमिटेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फैमिलीज एंड ऑर्डर। इसके बाद द मेन क्राइटेरिया यूज बाय तख्ताजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मेन फीचर्स क्या थे तख्ताजन के क्लासिफिकेशन के, उन्होंने ग्रोथ हैबिट लिया था, हैबिट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन, लीव्स एंड लीफ अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है प्लांट का, वो एक मेन क्राइटेरिया इन्होंने अडॉप्ट किया था। स्टोमेटल अपर्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था, नोडल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, वुड एनाटॉमी किस तरह की होती है, इन्फ्लोरेसेंस को भी एक कैरेक्टर के फॉर्म में लिया था, क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया के फॉर्म में यूज़ किया था, एंड कुछ जनरल फ्लोरल स्ट्रक्चर लिए थे जिसमें एंड्रोशियम, पोलन ग्रेन्स, कार्पल, गाइनोशियम एंड प्लेसेंटेशन, ओव्यूल, पॉलिनेशन, इसके साथ साथ गैमेटोफाइट एंड फर्टिलाइजेशन, सीड एंड फ्रूट। तो ये सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं जिसमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स के अंदर आ गए फ्लावर के, उनके बेसिस पर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया था। अब क्लासिफिकेशन के मेन प्रिंसिपल्स क्या थे, प्रिंसिपल्स में इन्होंने जो मेन कैरेक्टर लिए थे उनको प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर के अंदर डिफ्रेंशिएट किया था। जैसे पहले ही बताया था आपको, क्लासिफिकेशन के अंदर जब इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन के बेसिस पर प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर दिए गए। सबसे पहले हचिनसन की क्लासिफिकेशन में ही बताए थे, उन्होंने जो प्रिमिटिव एडवांस कैरेक्टर लिए थे उसके बेसिस पर ही पूरे के पूरे फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया था। तो तख्तेजन ने भी कुछ प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर मेन क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में लिए थे। इसमें हैबिट, सबसे पहले हैबिट में स्मॉल वुडी या वुडी और एवरग्रीन प्लांट को प्रिमिटिव माना है, जबकि एडवांस के अंदर लार्ज ट्री, हर्बेशियस एंड डेसिडियस प्लांट को एडवांस कैरेक्टर में माना है। लीव्स सिंपल, रेटिकुलेट एंड ऑल्टरनेट लीव्स के, लीव्स के जो कैरेक्टर हैं इनमें सिंपल लीफ हो, रेटिकुलेट वेनेशन हो और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है लीफ का, वो प्रिमिटिव कैरेक्टर के अंदर माना गया है, जबकि एडवांस के अंदर कंपाउंड, पैरेलल एंड ऑपोजिट लीफ को कंसीडर किया गया है। स्टोमेटा एक कैरेक्टर लिया है इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें स्टोमेटा विथ सब्सिडियरी सेल्स एंड मीजोजीनस स्टोमेटा को प्रिमिटिव माना है, जबकि विदाउट सब्सिडियरी सेल एंड पेरीजीनस स्टोमेटा को एडवांस कैरेक्टर में रखा गया है। इन्फ्लोरेसेंस में सिंपल साइमोज को प्रिमिटिव माना है, जबकि रेसिमोज को एडवांस कैरेक्टर माना गया है। बाकी पहले के क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा हम रेसिमोज को एडवांस कैरेक्टर में मानते हैं और उसको प्रिमिटिव कैरेक्टर मानते हैं। फ्लोरल स्ट्रक्चर में इनडेफिनेट और वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स अरेंज स्पायरली ऑन एक्सिस,
जबकि एडवांस कैरेक्टर में क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स अरेंज इन साइक्लिक पैटर्न ऑन शॉर्ट एक्सिस। यहाँ पे इंडेफिनेट नंबर हो फ्लोरल पार्ट्स का, जबकि एडवांस कैरेक्टर में फ्लोरल पार्ट्स का फिक्स्ड नंबर को माना गया है, जैसे कि नंबर यदि पेटल का 5 है, सेपल का 5 है, और साइक्लिक पैटर्न में अरेंज होने चाहिए। फिर आता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में एग्जाइन डिवॉइड ऑफ एक्सटर्नल स्कल्पचरिंग नहीं होनी चाहिए, बाहर किसी तरह की भी एग्जाइन पर स्मूथ होनी चाहिए, जबकि एडवांस कैरेक्टर के अंदर स्कल्पचरिंग ऑफ वेरियस टाइप्स के ऑर्नामेंटेशन यदि एग्जाइन पर हैं तो उसको एडवांस कैरेक्टर माना गया है। गाइनोशियम एपोकार्पस कंडीशन यदि गाइनोशियम की है, यदि बहुत सारे मल्टी कार्पलर्स है, बाई कार्पलरी ओवरी है, ट्राई कार्पलरी है, और कार्पल यदि फ्री है एक दूसरे से, देन इट इज़ कॉल्ड एपोकार्पस। तो यदि एपोकार्पस कंडीशन है तो प्रिमिटिव कैरेक्टर माना है, और यदि कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, सिनकार्पस कंडीशन है, तो उसको एडवांस कैरेक्टर में रखा गया है। फिर ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल में यदि एनाट्रोपस ओव्यूल है और क्रेसी न्यूसिलेज है, तब तो प्रिमिटिव कैरेक्टर। और एनाट्रोपस के अलावा यदि कोई टाइप का ओव्यूल है, ऑर्थोट्रोपस है, कैम्फाइलोट्रोपस है, सस्टिनोट्रोपस है, तो उसको एडवांस कैरेक्टर में रखा गया है, और जो उसकी वॉल है वो टेनी न्यूसिलेट होनी चाहिए। पॉलिनेशन में एंटोमोफिली को प्रिमिटिव कैरेक्टर माना है, जबकि एनिमोफिली को एडवांस कैरेक्टर में रखा गया है। गैमिटोफाइट एंड फर्टिलाइजेशन, मोनोस्पोरिक गैमिटोफाइट एंड पॉलीगोनम टाइप इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, जबकि टेट्रास्पोरिक यदि एम्ब्रियोसेक है देन इट इज़ अ एडवांस कैरेक्टर। सीड्स एंडोस्पर्मिक, यदि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तब तो प्रिमिटिव है, और यदि एंडोस्पर्म इज रिड्यूस्ड या एब्सेंट है देन इट इज़ अ एडवांस कैरेक्टर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और दिस क्लासिफिकेशन। फ्रूट मैनी सीडेड, फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी। जैसे मैंने बताया था कि एपोकार्पस कंडीशन को प्रिमिटिव माना है, यदि मल्टी कार्पलरी है, बहुत सारे कार्पल हैं लेकिन सारे कार्पल एक दूसरे से फ्री हैं, तो इस प्रिमिटिव कैरेक्टर माना है। और सीनोकार्पस यदि फ्रूट है, फ्रूट यदि फ्यूज्ड है, तो देन इट इज एडवांस कैरेक्टर में इसको रखा गया है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं क्लासिफिकेशन के, जिसमें जो कैरेक्टर्स लिए हैं, जैसे हैबिट ले लिया, लीव्स हो गए, स्ट्रोमेटा हो गए, इन्फ्लोरेसेंस, और सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स जिसमें एंड्रोशियम आता है, गाइनोशियम है, ओव्यूल्स हो गए, इनको प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर के अंदर कैटेगराइज्ड कर दिया गया है क्लासिफिकेशन के दौरान। फिर आता है आउटलाइन क्या है तख्तेजन क्लासिफिकेशन की। बाकी क्लासिफिकेशन की तरह ही तख्तेजन ने भी जो एंजियोस्पर्म है, जिसको हम मैग्नोलियोफाइटा कहते हैं, दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया है। मैग्नोलियोप्सिडा, जिसको डाइकॉट के इक्विवेलेंट मानते हैं, और सेकंड क्लास है लिलियोप्सिडा, जिसको हम मोनोकॉटलिडन्स के इक्विवेलेंट मानते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं नेचुरल वगैरह में कि डाइकॉट है, मोनोकॉट है। यहाँ पर इन्होंने जो मेन एंजियोस्पर्म है उसको मैग्नोलियोफाइटा नाम दिया है, और उसको दो क्लास में बांटा है, डाइकॉट को मैग्नोलियोप्सिडा और मोनोकॉट को लिलियोप्सिडा नाम दिया गया है। दिस मैग्नोलियोप्सिडा जो पहली क्लास है, इस फर्दर डिवाइडेड इंटू 7 सब क्लासेस, 20 सुपर ऑर्डर्स एंड 71 ऑर्डर्स के अंदर। और जो सेकंड क्लास है मोनोकॉट की, जिसको लिलियोप्सिडा कहा गया है, डिवाइडेड इंटू 3 सब क्लासेस, 8 सुपर ऑर्डर एंड 21 ऑर्डर्स। तो यदि सिंपलेस्ट एक लाइन में बात करें, आउटलाइन की बात करें, तो तख्तेजन के क्लासिफिकेशन में टोटल 92 ऑर्डर्स है, इंक्लूडिंग मोनोकॉट एंड डाइकॉट, एंड 410 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। थोड़ा सा आउटलाइन मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। डिवीज़न मैग्नोलियोफाइटा या एंजियोस्पर्म, जो पहली क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, जो जिसको हम डाइकॉट कहते हैं, और इसके अंदर 7 सब क्लासेस दी गई हैं और 20 सुपर ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो यहाँ सब क्लासेस के नाम है, पहला है मैग्नोलियोइडी, मैग्नोलियोइडी के अंदर 3 सुपर ऑर्डर हैं, पहला मैग्नोलियनी, सेकेंड रेफ्लिसिनी, और तीसरा निम्फियनी। सेकेंड जो सब क्लास है, जिसको हम रेनन कुलिडी कहते हैं, उसके अंदर 1 सुपर ऑर्डर है और वो है रेनन कुलेनी। तीसरी सब क्लास है हेमे मेलिडी, जिसके अंदर 2 सुपर ऑर्डर हैं, एक है हेमे मेलिडेनी और एक जगलेंडिनी। नेक्स्ट जो सुपर क्लास है फोर्थ, उसमें उसका नाम है कैरियोफाइलिडी,
जिसके अंदर दो सुपर ऑर्डर्स रखे गए हैं, कैरियोफाइलिनी और प्लम्बेजिनी। नेक्स्ट सब क्लास है जिसमें डाइलिनिडी है, जिसमें तीन सुपर ऑर्डर रखे गए हैं, डाइलिनिनी, इरिकेनी और मालविनी। सिक्स सब क्लास है रोजिडी, जिसके अंदर चार सुपर ऑर्डर रोजिनी, मिर्टेनी, रूटेनी और एरेलिनी। ये क्लासेस और सुपर ऑर्डर दिए गए हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर जो हमारा सब क्लास सिक्स है रोजिडी, उसके अंदर जो नेक्स्ट सुपर ऑर्डर है वो है सिलेस्ट्रेनी और प्रोटीनी। लास्ट जो सब क्लास है एस्टेरिडी आती है, आप इसकी कह सकते हैं डाइकॉट की सबसे एडवांस क्लास है, जिसके अंदर तीन सुपर ऑर्डर हैं जेंशियनी, लेमियनी और एस्ट्रेनी। तो ये टोटल डाइकॉट के अंदर जो पहली सब क्लास है डाइकॉट की मैग्नोलियोप्सिडा, जिसके अंदर टोटल 7 सब क्लासेस हैं, 20 सुपर ऑर्डर्स दिए गए हैं और 71 ऑर्डर्स दिए गए हैं। यहाँ ब्रैकेट में मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस सब क्लास के अंदर हैं वो मेंशन कर दिए हैं इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लास्ट ऑर्डर है इसका एस्टेरिडी, और लास्ट जो सब क्लास है एस्टेरिडी और लास्ट सुपर ऑर्डर है एस्टेरेनी, वो सबसे एडवांस इस ग्रुप के अंदर रखा गया है। और इसके सबसे पहली जो सब क्लास है मैग्नोलियोडी, और जिसको सबसे प्रिमिटिव माना गया है। दूसरी इसकी सब क्लास है लिलियोप्सिडा, या इसको मोनोकॉटलेडन भी कहते हैं। इसके अंदर मोनोकॉट या लिलियोप्सिडा के अंदर तीन सब क्लासेस दी गई हैं और 8 सुपर ऑर्डर हैं और 21 ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो तीन सब क्लासेस कौन कौन सी हैं? पहली सब क्लास है एलिसमेटिडी, जिसमें एक सुपर ऑर्डर है एलिसमेटेनी। सेकेंड सब क्लास है लिलीडी, जिसके अंदर 5 सुपर ऑर्डर दिए गए हैं, ट्राई यूरिडेनी, लिलियनी, जंकेनी, कॉमेलाइनेल्स और जिंजीबरेनी। और तीसरी इसकी सब क्लास है एरेसिडी, जिसके अंदर 2 सब सुपर ऑर्डर हैं एरेसिनी और एरेनी। तो इसमें जो सबसे मोनोकॉट की जब बात करते हैं तो सबसे प्रिमिटिव आता है एलिसमेलिडी, और सबसे एडवांस की बात करते हैं तो एरेसिडी आता है इसके अंदर। लास्ट में यदि आप देखें इन क्लास मैग्नोलियोप्सिडा मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर है, मैंने पहले ही बता दिया था मैग्नोलियल से, और मोस्ट एडवांस ऑर्डर है एस्टरेल्स। इन क्लास लिलियोप्सिडा द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर इज एलिसमेटेल्स एंड मोस्ट एडवांस ऑर्डर इज एरेल्स। तो ये आपको एक शॉर्ट में आउटलाइन इसकी तख्तेजन की बता दी थी। मेन इसमें प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं क्लास क्लासिफिकेशन के वो आपको बताने हैं, और इसकी आउटलाइन हम शॉर्ट में बता सकते हैं कि कितनी क्लास हैं, कितनी सब क्लासेस हैं, कितने सुपर ऑर्डर हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस क्लासिफिकेशन के अंदर दिए गए हैं। लास्ट में बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट की, क्या क्या मेरिट हैं इस क्लासिफिकेशन की और कौन सी डीमेरिट हैं। तो मेरिट में सबसे पहले जो डाइकॉट है मैग्नोलियोप्सिडा, डिस्कस्ड बिफोर मोनोकॉट, लिलियोप्सिडा से पहले डिस्कस किया गया है। डाइकॉट बिगेन विथ मैग्नोलियस विच आर मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर। क्लासिफिकेशन ऑफ तख्तेजन इज मोर फाइलोजेनेटिक देन अदर सिस्टम। ये आप देख रहे हैं जिसका क्लासिफिकेशन प्रिमिटिव एडवांस करेक्टर दिया है वो बाकी क्लासिफिकेशन से काफ़ी मिलता जुलता है। द ऑर्डर एलिसमेटेल्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकॉट विच इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव मोनोकॉट, बाकी क्लासिफिकेशन में भी माना गया है। तो इसमें जो नॉर्मली अगर मैग्नोलियल से स्टार्ट किया है, डाइकॉट को पहले रखा है, मोनोकॉट को बाद में रखा हुआ है, एस्ट्रेल्स को एडवांस ग्रुप माना गया है, और एलिसमेटेल्स जो मोनोकॉट का स्टार्टिंग पॉइंट है विच इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट प्रिमिटिव मोनोकॉट के अंतर्गत रखा गया है। तो कुछ मेरिट हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। डीमेरिट क्या है? इन दिस सिस्टम मोर वेट इज गिवन टू क्लैडिस्टिक इन्फॉर्मेशन देन फिनेटिक इन्फॉर्मेशन। दिस सिस्टम प्रोवाइड क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली लेवल, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड अडॉप्शन इन हर्बेरिया। तो ज़्यादातर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं ये नॉर्मली प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए या हर्बेरिया डेवलप करने के लिए सूटेबल्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑर्डर फैमिलीज बहुत ज़्यादा दी गई हैं, आइडेंटिफिकेशन की नहीं दी हुई होती है, इसलिए इसको हम एज अ हर्बेरियम के फॉर्मेशन में काम में नहीं ले सकते। या आइडेंटिफाई करना हो प्लांट को तब इस क्लासिफिकेशन को हम फॉलो
नहीं कर सकते, तो ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। तो ये एक फाइलोजेनेटिक्स क्लासिफिकेशन है तख्तेजन का। थैंक यू।